तो क्या होगा जब जंगल का राजा शेर और लॉर्ड वॉरियर टाइगर के बीच आमना सामना होगा। इन दोनों बड़ी बिल्लियों में से किस जानवर की जीत होगी, तो आइए जानते हैं। पहले बात करते हैं बाइट फोर्स। शेर का बाइट फोर्स 650 PSI होता है और वहीं अगर टाइगर की बात की जाए तो उसका बाइट फोर्स 1050 PSI होता है, तो इसमें तो टाइगर आगे निकल गया। अब बात करते हैं दांत और पंजों की लंबाई। तो शेर के पंजे 1.5 इंच तक होते हैं और टाइगर के 4 इंच तक। अब दांतों को भी देख लिया जाए, शेर के दांत 2.5 इंच तक लंबे होते हैं और टाइगर के 3 इंच तक लंबे होते हैं, यानी कि टाइगर यहाँ भी बाजी मार गए। खैर अब बात करते हैं रोर की। दोस्तों शेर की दहाड़ 12 किलोमीटर तक जा सकती है और वहीं टाइगर की बात करें तो सिर्फ 4 किलोमीटर तक। वैसे तो इसमें शेर ने बाजी मार ली, पर लड़ाई में दहाड़ का क्या काम। तो दोस्तों बात करते हैं पानी में लंबे समय तक कौन तैर सकता है, तो इसमें भी टाइगर ही बाजी मार गया। अगर कहीं शेर और टाइगर पानी में भिड़ गए तो शेर का हारना पक्का है। तो दोस्तों अब आते हैं फाइनल डिसीजन पे। हर चीज में टाइगर शेर से आगे है, तो जाहिर सी बात है टाइगर ही जीतेगा। टाइगर के सामने शेर दूध पीता बच्चा नजर आता है। दोस्तों अब सवाल आता है कि टाइगर हर चीज में शेर से आगे है, पर शेर को ही जंगल का राजा क्यों कहा जाता है।